इन दिस सेक्शन वी आर गोन्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिस्काउंट बॉन्ड एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट डज गिल टू मेचोरिटी फॉर अ डिस्काउंट बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जो कि जिसकी जो कीमत है जो जिसके ऊपर आप उसको मार्केट में खरीदते हो वो डिस्काउंटेड है यानी कि जिसका फेस वैल्यू है अगर फेस वैल्यू कह रहा है कि ये बॉन्ड एक हज़ार रुपए का है तो आप उसको एक हज़ार रुपए से कम पैसों पर बाय करते हैं तो बेसिकली डिस्काउंट बॉन्ड्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड इन द सेकेंडरी मार्केट और उसके अंदर हम हमेशा देखते हैं कि इसका जो कीमत है जिसके ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं दैट इज़ लोअर देन इट्स फेस वैल्यू एंड दैट इज़ द रीज़न वी कॉल दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज द डिस्काउंट बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड को हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं मगर डीप डिस्काउंट बॉन्ड वो होता है जिसकी मार्केट प्राइस उसके फ़ेस वैल्यू से कई गुना यहाँ तक कि 20 फ़ीसद या उससे भी ज़्यादा का फर्क रखती हो का मतलब है कि अगर आपके पास एक बॉन्ड है जो कि जिसका फ़ेस वैल्यू एक सौ रुपए है उसकी कीमत मार्केट में अस्सी रुपये या उससे भी कम है तो ऐसे बॉन्ड को हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जब हम डिस्काउंट बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा पहुंचता है उसको क्या एडवांटेज मिलेगी उसका हील टू मेचोरिटी कैसे कैलकुलेट होगा तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम हील टू मेचोरिटी को कैलकुलेट करने के वास्ते फॉमूला इस्तेमाल करते हैं कि हमने फेस वैल्यू ऑफ़ द डिस्काउंट बॉन्ड लिया उसको हमने करंट प्राइस जो मार्केट में प्राइस है उससे उसको डिवाइड कर देना है और करंट प्राइस से उसको उस डिफरेंस को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हील टू मेचॉरिटी आ जाएगा डिस्काउंट बॉन्ड की एग्जाम्पल के लिए आई वुड लाइक टू कोट दिस एग्ज़ाम्पल ऑफ द गवर्मेंट टीबिल्स टीबल्स सरकार या स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ आ कंट्री इशू करते हैं टी बिल हम ट्रायरी बिल को शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं टी बिल के तौर पे असल में वो ट्रायरी बिल होती है ट्रेयरी बिल वो इंस्ट्रूमेंट है जो के हुकूमत को जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होती है लोगों से तो वो टी बिल्स इशू करते हैं टी बिल्स सिक्सटी डेज़ के ड्यूरेशन के हो सकते हैं थर्टी डेज़ के ड्यूरेशन के हो सकते हैं पैंतालीस दिनों के हो सकते हैं नबे दिन के लिए हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के हकूमत को या स्टेट बैंक को किस पर्पज़ के लिए ये पैसे चाहिए कितने अरसे के लिए तो अगर आपने इमीजिएटली सर हकूमत ने अगर इमीजिएटली कोई ख़र्चे आ गए हैं उनको उन्होंने निपटाना है उन एक्सपेंसेस को बियर करना है उन एक्सपेंसेस को पे करना है रीपेमेंट करनी है तो उस कॉन्टेक्स में वो क्या करती है समटाइम्स अगर स्टेट बैंक चाहे तो वो सेंट्रल बैंक चाहे तो वो ट्राइरी बिल्स को इशू कर देती है तो ट्रायरी बिल्स में हम ये देख सकते हैं कि जो उसका फेस वैल्यू है जो उसका करंट मार्केट प्राइस है उनमें फर्क होता है कि फेस वैल्यू हायर होगा और जो प्राइस है जिसके ऊपर वो बेचे जा रहे हैं वो कम है तो ऐसे ऐसे के सिचुएशन को हम बोलेंगे कि हम डिस्काउंट बॉन्ड्स के अंदर इसको के फॉर्म के तौर पे इसको कंसीडर कर सकते हैं तो उसमें अगर आपने कहा कि हमारे पास जो करंट परचेज़ प्राइस है अगर सपोज़ वो नौ सौ रुपये है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो एक हज़ार रुपये है तो इसके ऊपर हमने अगर यील्ड टू मेच्योरिटी निकाल लें तो हम वन थाउजेंड माइनस नाइन हंड्रेड निकालेंगे वन हंड्रेड आएगा न्यूमरेटर में डिवाइड किया हमने इसको करंट प्राइस यानी कि नाइन हंड्रेड से तो आपके पास यील्ड टू मेचोरिटी की वैल्यू निकलेगी ज़ीरो पॉइंट वन 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 विच कैन बी रिटर्न इन द परसेंटेज फॉर्म एज एलेवन पॉइंट वन परसेंट सो आपको पता चल सकता है कि अगर मैं एक टीबल जिसकी फेस वैल्यू हज़ार है उसको नौ सौ रुपए में ख़रीद रहा हूँ तो मेचोरिटी के ऊपर मुझे जो फ़ायदा पहुँचेगा इसको एक हज़ार रुपए में बेचने से उस पर मुझे एलेवन पॉइंट वन परसेंट का झील टू मेचोरिटी यानी कि उसके ऊपर मुझे एलेवन पॉइंट वन परसेंट का रिटर्न मिलने वाला है इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो हम इस तरह से इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं एंडर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो करंट बॉन्ड प्राइस होती है और इंटरेस्ट रेट है ये दोनों चीज़ें आपस में नेगेटिवली रिलेटेड होती हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपका करंट बॉन्ड प्राइस कम होगा एंड वाइस वर्सा के मतलब है कि अगर आपका करंट बॉन्ड प्राइस काफ़ी हाई है तो इसका मतलब है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लो हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं इसलिए जब हमने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी इनको बेच देना है इसको इसका बहुत ज़्यादा लेना देना इंटरेस्ट रेट्स के उतार और चढ़ाव से होता है तो वी डू लुक एट द वैल्यूज़ ऑफ़ इंटरेस्ट रेट्स एंड देन वी डिसाइड कि हमें कौन सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और किस में नहीं करनी सो दिस इज़ दीज आर दीज टू थिंग्स आर interrelated with with each other but they are negatively related with each other